स्ट्रेंज थिंग्स इन माइनक्राफ्ट पार्ट 2। फर्स्ट, अगर आप लावा के ऊपर चलते हो तो आपको डैमेज होगा, और इफ मैं सेम चीज कैक्टस के साथ करूं तो भी मेरे को डैमेज होगा, और अगर मैं स्टोन कटर के ऊपर चढ़ता हूं तो मेरे को 1% भी डैमेज नहीं होगा। स्ट्रेंज। सेकंड, माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा आयरन लेने वाला आर्मर है चेस्ट प्लेट, और अगर मैं इस चेस्ट प्लेट को फर्नेस में स्मेल्ट करता हूं तो मेरे को मिलेगा बस एक आयरन नगेट। इसका मतलब फर्नेस आयरन खाता है। स्ट्रेंज। थर्ड, ये काफी अजीब चीज है माइनक्राफ्ट में। आपको पता ही होगा कि एक ऑक लोग से 4 वुडन प्लैंक्स बन जाते हैं, बट ऑक लोग का एंड वुडन प्लैंक्स का जो साइज होता है वो सेम होता है, आपको पता होगा, एंड इनको तोड़ने में जो टाइम लगता है उसकी ड्यूरेशन भी सेम होती है। स्ट्रेंज। तो आपको ये स्ट्रेंज थिंग्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए।